नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, बीएड धारी शिक्षकों के लिए अब एक अच्छी खबर सामने आ सकती है। बता दें कि शिक्षा विभाग ने बीएड धारी शिक्षकों के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला ले लिया है। बता दें कि एक और जहां 6 दिसंबर को बीएड धारी शिक्षकों के लिए हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया। हाईकोर्ट ने जहाँ ये फैसला सुना दिया कि इन शिक्षकों को जो बीएड धारी हैं उन्हें जो है वो मान्यता नहीं दी जाएगी। ऐसे में आपको बता दें कि अब जो शिक्षा विभाग है उनके द्वारा बड़ा फैसला लिया जा रहा है। शिक्षा विभाग जो है हाई कोर्ट के इसी फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है। बता दें कि इसे लेकर के सभी टीचर्स की लिस्ट मांगी गई है कि आखिर कुल कितने ऐसे बीएड धारी शिक्षक हैं। खासकर आपको ये भी बता दें कि सभी जिलों से एक और जहां ये लिस्ट मांगी जा रही है, तो वहीं जितने भी साल के अनुसार जो शिक्षक हैं, जो साल के अनुसार पास हुए शिक्षक हैं, उन सभी की लिस्ट जो है साल के अनुसार मांगी जा रही है। जैसे कि 2007 में जो शिक्षक बनी, 2008, 2009 से लेकर 2023 तक को जो है इस लिस्ट में रखा जाएगा। और जितने भी शिक्षक हैं बीएड धारी, उन सभी शिक्षकों की लिस्ट तैयार की जाएगी और फिर सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा विभाग जो है इन शिक्षकों को लेकर के, इन शिक्षकों की परेशानियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा। शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों में कितने बीएड योग्य धारी हैं, इसकी संख्या जिलों में कितनी है, इसके लिए संख्या रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने इसे लेकर के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है और पटना हाई कोर्ट के 6 दिसंबर 2023 को आए निर्देश के आलोक में विभागों से ये ब्यौरा मांगा गया है। बता दें कि 6 दिसंबर को पटना हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीएड की डिग्री को सक्षम नहीं माना था। वहीं कोर्ट ने कहा है कि प्राथमिक कक्षा के लिए डीएलएड डिग्री ही मान्य होगी। ऐसे में अब शिक्षा विभाग इन शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर चुका है। वहीं फैसले से बिहार के 6ठे चरण में नियुक्त बीएड योग्यधारी शिक्षकों की परेशानी बढ़ी थी, तो ऐसे में अब शिक्षकों की संख्या को लेकर के भी बात सामने आ रही है। जहां अब यहां रिपोर्ट मांगी जा रही है कि आखिर कितने ऐसे शिक्षक हैं, और ये रिपोर्ट वर्ष के अनुसार मांगा जा रहा है। 2006, 2007 में, 2008, 2010 में नियोजित ऐसे जितने भी शिक्षक हैं 2023 तक, उन सभी की रिपोर्ट मांगी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।